नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। आज शुक्रवार का दिन है, लेकिन ये शुक्रवार किसी ब्लैक फ्राइडे से कम नहीं रहा। सुबह से ही तीन दुखद घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें ब्राजील के फुटबॉलर पेले, जिन्हें किंग ऑफ फुटबॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिनका आज 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वही बात करें दूसरे हादसे की, तो पीएम मोदी की माँ हीराबा ने अहमदाबाद में आज अंतिम सांस ली। उनका निधन अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में शुक्रवार सुबह 3:30 बजे हुआ। उनका अंतिम संस्कार गांधीनगर के शमशान घाट में किया गया। पीएम मोदी ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। साथ ही इसी बीच एक दुर्घटना भी सामने आई है, जिसमें भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इनमें उन्हें काफी ज्यादा चोट आई है। यह हादसा दिल्ली से रुड़की जाते समय गुरुकुल नारसन क्षेत्र में आज तड़के हुआ। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हुई ये घटना बेहद दर्दनाक थी। बात करें इस एक्सीडेंट की, तो ये हम्मतपुर जाल के पास एक मोड़ पर हुई। यह एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा भयावह थी। खबर ये है कि उनकी कार का शीशा तोड़कर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला गया, जिसके कुछ समय बाद ही कार में भयानक आग लग गई। इस हादसे, आपको बता दें, ऋषभ पंत की कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के बीच उनकी कार में भीषण आग लग गई थी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें कार से बाहर निकाल लिया गया था। हादसे के बाद पंत को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।